तो गाइस ये आज की जो वीडियो है वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं पानी के ऊपर घर। जी हाँ गाइस, सभी का सपना होता है ना, आज हम उसे पूरा करने वाले हैं। लेकिन गाइस यार, पानी के ऊपर घर बनाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। पानी के ऊपर घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिसके ऊपर की हम घर बना सके। और गाइस यार, प्लेटफॉर्म तो हमने ऑलरेडी बना लिया है, ये देखो। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा भारी हो चुका है, बहुत भारी। गाइस यार, प्लेटफॉर्म तो हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो घर है वो बनने वाला है पानी के ऊपर, यानी कि बिना किसी सपोर्ट के अगर हम बनाएंगे तो वो घर पानी के अंदर डूब जाएगा। तो घर हमारा पानी के अंदर नहीं डूबे उसके लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा। और गाइस जुगाड़ ये है कि इस प्लेटफॉर्म को पानी पे तैराने के लिए हम बहुत सारे ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ट्यूब्स की मदद से ये जो प्लेटफॉर्म है ये पानी पे तैरे और इनडायरेक्टली हमारा जो घर है वो पानी पे तैरे। चलो शुरू करते हैं। बैंग! आई होप गाइस यार, इस जुगाड़ के बाद में हमारा प्लेटफॉर्म इस पानी के ऊपर तैर पाएगा। लेकिन गाइस यार, चुनौतियां अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ी चुनौती तो है उस प्लेटफॉर्म को ऑफिस से यहाँ तक लेके आना, क्योंकि वो सच में बहुत भारी और बड़ा है। लेकिन आपका भाई चुनौतियों से डरता है क्या? चलो लेके आते हैं बैग। आजा 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 आजा, ऑलराइट लोड नाउ, जल्दी से गाड़ी लोड करो। वो ये भी एक चुनौती है। कम ऑन गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निकलो 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 जल्दी, जाओ 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 जाओ, बारिश भी आ रही है गाइस। जाओ, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। ये एंगल बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, सारा सामान आ चुका है, अब बनाते हैं प्लेटफॉर्म। गाइस लग जाओ काम पे। हमारी प्लेटफॉर्म के लिए सारी चीजें, लेकिन इसको बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि इसकी मदद से हम एक ट्रेन बना सकते हैं। जी हां गाइस, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं घर के साथ साथ में। तो चलो एक एक फ्लाई से पानी के अंदर ही ट्रेन बनाते हैं, एक सेतु टाइप का, यकीन मानो मजा आएगा। कम ऑन बॉयज, आ जाओ जाने दो। गाइस यार, थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी में हमने सोचा कि सारे जो प्लाईबोर्ड है वो सीधे तरेंगे, लेकिन वहाँ पे देखो कोई ऐसे हो गया कोई वैसे हो गया, लेकिन हम ट्रेन तो बना ही सकते हैं। ट्रेन बनाने जाते हैं। ओ पानी ठंडा है। गाइस फाइनली ट्रेन तो हमने बना दी है, लेकिन ये थोड़ी उबड़ खाबड़ है। ये देखो गाइस, ये रही हमारी ट्रेन, ये देखो गाइस। बहुत लंबी ट्रेन है, बस ये उबड़ खाबड़ इसलिए क्योंकि ट्यूब थोड़े उबड़ खाबड़ थे। बाकी गाइस देखो ट्रेन। चढ़ जाओ। चढ़ गया।
बाकी गाइस इस पे बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। रवि कोशिश करियो आगे जाने की। जा रवि रवि चला जा। मिशन सक्सेस। आगे। अरे वाह रवि वाह गुड गुड। काम करते करते रात हो गई लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है। ये भी एक और चुनौती है। अब बनाते हैं प्लेटफॉर्म। कम ऑन गाइस ट्रेन बाहर निकालो प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो गाइस यार पूरी रात लगातार काम करने के बाद फाइनली हमने हमारे प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली पानी के अंदर बना लिया है। वो रहा और गाइस कमाल की बात यह है कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से काम करता है। ये देखो गाइस ये देखो This is really awesome! कुछ देर पहले अपन ने देखा है किस तरीके से हमने जब इनकी ट्रेन बनाई थी तो वो चीज काम नहीं कर रही थी लेकिन वहीं पर हमने प्लेटफॉर्म बनाया है और ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब तो होगा धमाल कमाल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कितने स्टेबल तरीके से काम कर रहा है। ये देखो पानी के ऊपर कितने आसानी से तैर रहा है। ये देखो अभी देखो वाह ये देखो गाइस मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ अभी। ये देखो मैं इसके नीचे हूँ ठीक है गाइस सांस भी ले पा रहा हूँ। ये देखो नीचे से कुछ इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग की है। इससे ज्यादा यहाँ पे रहना थोड़ा रिस्की है मैं पीछे बाहर जाता हूँ वापस से। ये देखो इधर से भी गाइस गाइस अब बनाते हैं तो चलो फिर शुरू करते हैं। कम ऑन और फिर बारिश हो गई। तो गाइस यार घर का फ्रेम तो हमने बना दिया है। आप देख सकते हैं कि ये रहा गेट लेकिन इसे हमें किसी चीज से कवर करना होगा ताकि ये प्रॉपर घर लगे। ऑलराइट तो कवर करते हैं 1 2 3 मस्त और शानदार घर। लेकिन गाइस यार इसे लेक तक लेके जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पूरा तो नहीं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से देखो मेरी जान बहुत खूबसूरत है इधर आ जाओ। लेकिन गाइस यार इसे लेक तक ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है इसीलिए इसका डिजाइन हमने ऐसा किया है कि ये पूरी तरीके से खुल सकता है सिमट सकता है और फिर इसे लेक तक लेके जाया जा सकता है। तो चलो अब इस घर को लेके चलते हैं लेक के ऊपर और अपना काम पूरा करते हैं। बैंग तो गाइस प्लेटफॉर्म
हमने बना लिया है। इधर देखो घर का भी सारा सामान यहाँ पे आ चुका है। अब देर किस बात की यार, चलो पानी के ऊपर घर बनाते हैं। लेकिन 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 गाइस, घर बनाने के अंदर मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं आपका भाई आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप अभी के भी इस वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हम इस घर को मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर बना देंगे गाइस। तो अभी के भी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 30 मिलियन जल्द करते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक। ऑलराइट गाइस, 1 2 3 लग जाओ गाइस, काम पे लगाओ, एंकर ड्रॉप्स। अरे आप, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है कि आधे लोगों ने कर दिया, आधे नहीं किया, कर दो यार, कुछ सेकंड के अंदर घर बनने वाला है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 30 मिलियन जीत करते हैं इस बार फाइनली। 3 2 1 तो गाइस यार, फाइनली काफी समय मेहनत करने के बाद हमने बना दिया है पानी के ऊपर घर। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, उधर नजर डालो। असली मजा यहाँ से नहीं आएगा, आपको डेट वहाँ पे लेके चलते हैं और अंदर से पूरा इसका ओवरव्यू देते हैं। तो गाइस यार, वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर घर है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास सिंपली 2 बोट है, तो बोट से भी चलते हो। लोंडो तुम जाओ जल्दी, लेट्स गो। बैठो कैमरामैन, बैठो, चलो चलते हैं पानी वाले घर के अंदर। 1 2 3 चलो। अभी देखो गाइस, पानी के बीच में इतना खूबसूरत घर देखो। इसे अच्छा लुक देने के लिए हमने इसके ऊपर ग्रीन कारपेट लगाई है, साथ ही साथ ये घर चारों तरफ मूव कर सकता है। इसको चलाने के लिए हमारे पास एक चप्पू ये रहा और दूसरा चप्पू ये रहा, और साथ ही साथ पानी के अंदर इस घर के ऊपर बहुत सारा स्पेस है, 2 जने आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, एक बंदा यहाँ पे बैठ गया, एक बंदा यहाँ पे बैठ गया, और साथ ही साथ खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन राजस्थान की गर्मी से ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गए हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। गाइस एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, खूबसूरती के लिए पौधे। गाइस देखो यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे एक पौधा, और देखो चारों तरफ इतना ज़्यादा स्पेस है कि मैं चारों तरफ चल सकता हूँ। इधर देखो, इधर भी काफ़ी जगह है, ये देखो पीछे भी अपन चल सकते हैं, ये देखो गाइस, और मैं चल के उधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। गाइस ये देखो गाइस, चारों तरफ मैं इसके मूव कर सकते हैं, और काफी सारी जगह है। अब आ जाओ हमारे होम स्वीट होम के अंदर। तो गाइस यार, अंदर से इसके अंदर बहुत सारी जगह, ये देखो अंदर हमने बेड लगा रखा है जिसके ऊपर आसानी से सोया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। मुझे पता है कि गर्मी है तो गर्मी के लिए यहाँ पर फैन है। लेकिन सिर्फ फैन ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। गाइस यहाँ पर हमने एक चेयर रख रखी है, यहाँ पे एक और मुड्डी बोला जाता है वो रखी हुई है, और ये रहा म्यूजिक का पूरा सिस्टम। जी हाँ गाइस, ये बैटरी ऑपरेटेड है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पानी पीने के लिए एक कैंपर है, और साथ ही साथ ये देखो बेड जिसके अंदर सोया जा सकता है। उजाले की यहाँ पे ज्यादा जरूरत तो नहीं है दिन के समय में, क्योंकि ये हमने इसकी जो छत बनाई है ये ट्रांसपेरेंट है, तो उजाले की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रात हो तो इसके लिए भी जुगाड़ है, ये देखो। तो गाइस यार, इसको जैसे चाहे वैसे चेंज किया जा सकता है, ये देखो, और ऐसी ही सेम लाइट इधर भी है, ये देखो, इसको भी ऑन करते हैं, ये देखो गाइस। भूख वगैरह लगे उसके लिए भी सामान है, ये देखो, इसके अंदर झाड़ू भी है, एक स्टोव है, साबुन, मैगी गाइस, मैगी, पूरा सिस्टम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बाहर।
और इस घर की सबसे कमाल की बात यह है कि ये घर पानी के ऊपर तैर सकता है, यानी कि इधर से उधर जा सकता है। कैमरामैन आजा, छुप मत, वो भाग रहा है। अबे किधर गया? अबे इधर आजा, कैमरा पकड़। अभी ये घर एक जगह पे इसलिए है क्योंकि हमने एंकर्स डाल रखे हैं। जिस तरीके से जहाज को एक जगह पे तैराने के लिए एंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमने भी यहाँ पर एंकर्स डाल रखे हैं। ये देखो गाइस, ये रहा। और अब जो है हम घर को जिधर लेके जाना चाहे उधर लेके जाया जा सकता है। ये देखो, एक खूबी ये है कि ये पानी के अंदर है, तो आप कपड़े खोल के सीधे ही कभी भी पानी के अंदर छलांग लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से देखना। गाइस, घर का इंजन देखना चाहते हो? ये देखो, फुल हॉर्स पावर है, फुल हॉर्स। अगर एक साइड वजन डाल देते तो पानी ऊपर आता है, पीछे 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 ले रहे, समुंदर की ले रहे, और जैसे ही हट जाते हैं पानी सारा नीचे चला जाता है। लेकिन ये घास जो है, घास को पानी पिलाना भी जरूरी है ताकि आने वाले टाइम के अंदर घास बड़ी हो जाएगी और हरी हो जाएगी। गाइस यार सही बता रहा हूँ, लोग लाखों रुपए खर्च करके भी ये मज़ा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराएं। छोटे थे, बचपन में थे, जब हम सभी लोग ऐसी कोशिश किया करते थे या फिर ऐसा सोचा करते थे कि ऐसी कोई चीज़ बनाए या फिर ऐसा कुछ ट्राई करे। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोग हमें इतना इंस्पायर करते हैं, इसी वजह से हम ऐसी चीज़ें कर पाते हैं और करने में हमें भी मज़ा आता है और आपको दिखाने में मज़ा आता है। तो गाइज यार, आई होप ये हाउस ऑन वाटर, बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत कमेंट, फाइनली लगभग 10 से 15 दिन का वक्त लग गया और लेकिन फाइनली ये चीज़ काम कर गई। तो गाइज यार, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जी हाँ गाइज, अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आते हैं तो हम इसी घर के अंदर 24 आवर चैलेंज भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस घर के अंदर हम 24 आवर चैलेंज करें तो इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक का टारगेट है, वो पूरा कर देना, टाइटेनियम मारने के लिए छोटी सी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।